वालेकुम नाज़रीन वेलकम टू माय चैनल आज हम एक और नए तरीक़े के साथ बना रहे हैं चिकन कोरमा चिकन मैंने पहले अच्छी तरह से घी कुक किया अच्छी तरह से गरम फिर इसमें डाल दिया चिकन इसको अच्छी तरह से करेंगे फ्राई और प्याज़ और लहसुन को मैंने कुकर में गला लिया यहाँ पे अलहदा अच्छी तरह से गल चुका है फिर भी हल्की आँच पर पड़ा इसमें हम फिर मसाले सारे ऐड कर देंगे और चिकन अलीहद हमारी फ्राई होगी तो चिकन हमारी यहाँ पे फ्राई हो रही है इस तरीके के साथ भी आप चिकन बनाए बहुत अच्छी बनती है आसान भी है जल्दी भी बन जाती है टाइम भी बहुत कम लगता है इसमें मैंने डाला साबत गरम मसाला थोड़ा सा ताकि जो है ना चिकन की स्मेल जो है वो चली जाए तो अच्छी तरह से अभी और भी फ्राई कर रहे हैं साथ जो है ना हमारा प्याज और लहसन अच्छी तरह से जो है ना गल चुका है इसमें मैंने मिसाले डाल दिए हैं जो जरूरत होते हैं मिर्च मिसाला नमक हल्दी और फिर भी इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रखे रखेंगे यहाँ पे जो है ना चिकन हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है अब इसमें हम डाल देंगे आलू आलू ताकि थोड़े से गल जाएं, फिर इसके बाद हम शामिल करेंगे टमाटर अच्छी तरह से इसकी थोड़ी सी और भुनाई की हमने ताकि कलर चेंज हो जाए आलू का फिर हमने डाल दिए टमाटर अब टमाटर डाल के पाँच मिनट के लिए इसको हम ढक देंगे और अच्छी तरह पकने देंगे ताकि जो है ना अच्छी तरह से हर चीज़ मिक्स हो जाए ये भी तकरीबन तैयार हो चुका है मिसाला तो पाँच मिनट के बाद हम इसे खोलते हैं ये देखें बिल्कुल जो है ना हर चीज़ आपस में मिक्स हो चुकी है आप इसमें हम डालेंगे वो मिसाला जो हमने कुकर में गला के मिसाले डाल के बना लिए इसमें टमाटर आलू हर चीज़ तकरीबन अच्छी तरह से गल चुकी है तो ये मिसाला मैंने ये प्लेट में लदा डाल लिया है साथ उसका जो पानी है कुकर में मैंने थोड़ा सा डाल के कंगाल करके अंदर डाल दिया है ताकि जो है ना ज़ाया ना हो इसको फिर हम दस पाँच पाँच दस मिनट के लिए फिर हल्की आंच पर पकाएंगे मिसाला जो है ना लैदा पका हुआ जो था वो भी चिकन में जज हो जाए तो इस तरह से भी बनाएं बहुत अच्छा बनता है थोड़ा सा मैंने डाला शान नेशनल का मिसाला जायका अच्छा आता है इससे तो पाँच मिनट के लिए हमको तो रख देंगे पकने के लिए अब देख रहे होंगे बिल्कुल जो है ना बहुत अच्छी तरह से पक चुका है घी भी निकल आ चुका है आलू भी गल गए हैं और चिकन भी तो हमने आप इस था, इस था, इस था से भी खा सकते हैं लेकिन मैंने थोड़ा सा शोरबा बनाना है तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है इसको थोड़ा सा और पकाएंगे फिर उतार लेंगे इसकी फाइनल लुक ये देखें बिल्कुल मज़े का बन चुका है साथ मैं दाल को तड़का लगा रही हूँ देसी घी लिया मैंने और एक अदद प्याज इसको अच्छी तरह से किया फ्राई तो ये प्याज़ फ्राई हो चुके हैं मिर्च और साबत ज़ीरा डाला और फिर अच्छी तरह से फ़्राई करके इसमें डालूँगी दाल मूंग की साबुत मूंग की दाल थी इसको तड़का लगाने से दाल बिल्कुल ताज़ा हो जाती है तो इसको थोड़ा सा तड़का लगा के हम फिर इसको खाएंगे। इसको तकरीबन तड़का लग चुका है आप जी असर का टाइम था तो चाय भी बन रही थी तो चाय भी मैंने सोचा आप इसकी भी आपके साथ शेयर करूं वीडियो तो ये चाय मज़े की बन चुकी है हम चाय पीते हैं आज के व्लॉग में इतना ही प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें देखें और शेयर भी करें और अपने कमेंट्स से भी आगाह करें अल्लाह हाफिज़